हेलो फ्रेंड्स, मैं महावीर। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिक्स में पॉइंट नंबर 4, पीएन जंक्शन। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में ये बताया जाएगा कि पीएन जंक्शन किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से कार्य करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन की। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीएन जंक्शन है क्या और ये किस प्रकार बनता है। तो गाइस, आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार बनता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पीएन जंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है और कहा हुआ है कि जब जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में एक और दाता का मतलब यहाँ पर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो अर्थात एन टाइप अशुद्धि तथा दूसरी ओर स्वीकारक जिसे हम ग्राही भी कहते हैं और इंग्लिश कहते हैं एक्सेट्रा अर्थात जिसमें होल्स अधिक हो यानी पी टाइप अशुद्धि मिलाई जाती है, तब इस युक्ति को पीएन संधि अर्थात पीएन जंक्शन कहते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कुछ जर्मेनियम में सिलिकॉन का टुकड़ा लेंगे और उसमें एक तरफ क्या मिलाएंगे जो होल्स अधिक हो वो अर्थात एन टाइप और दूसरी तरफ पी टाइप और एक तरफ मिलाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो अर्थात एन टाइप। तो देखते हैं आगे। सुबह देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो ये टुकड़ा है वो जर्मेनियम सिलिकॉन का है और इसके यहाँ पर इसके परमाणु दिखाएंगे जिसके परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अर्थात ये जो पूरा टुकड़ा है वो जर्मेनियम का हो सकता है या सिलिकॉन का हो सकता है। अब इस जर्मेनियम जो सिलिकॉन का टुकड़ा है उसमें एक तरफ हम होल्स जिसमें अधिक है वो मिलाते हैं अर्थात पी टाइप मिलाते हैं और दूसरी तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अधिक है वो मिलाते हैं अर्थात एन टाइप मिलाते हैं। तो अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो ये यहाँ पर टुकड़ा है, इस टुकड़ा के साथ हम तिरसंयोजी करवाते हैं परमाणु अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसके साथ संधि कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा होल्स, इसके लिए क्या बन जाएगा होल्स। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसमें हम पंचसंयोजी मिला दें, पंचसंयोजी मिला दें, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, और ये पांचों बचेगा एक यहाँ पर, तो इसके साथ संधि कर लेगा, इसके साथ कर लेगा, इसके साथ कर लेगा, इसके साथ कर लेगा, तो इसमें क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, इसमें क्या होल्स की अधिकता, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एन टाइप और यहाँ पर क्या बन जाएगा पी टाइप। ठीक है, तो एक पूरा टुकड़ा हमने जर्मेनियम कर लिया, एक तरफ हमने दाता शुद्धि मिला दी ये वाली और इधर हमने मिला दी ग्राही अर्थात एक्सेप्टर अशुद्धि मिला दी। तो ये जो पूरा पदार्थ बना है, इस पूरे पदार्थ के बीच में दाता और जो ये ग्राही और जो दाता है, ग्राही और दाता के बीच में ये जो लेयर बनेगी इसे कहेंगे हम संधि, इसे कहेंगे संधि। एक टाइप पी है और दूसरा एन है, तो इसको क्या बोलते हैं पीएन संधि अर्थात पीएन जंक्शन। तो इस प्रकार से कि पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण होता है, पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। तो आगे यदि हम ये तो एक परमाणु की बात करें, यदि हम अनेक परमाणु की बात करें तो इसकी संरचना किस प्रकार होगी, अनेक परमाणु होंगे तो इसकी संरचना इस प्रकार होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखाया गया कि एन टाइप का पदार्थ है और ये पी टाइप का पदार्थ है, बीच के अंदर आपको दिखाई दे रहा है या इसका जंक्शन है। तो एन टाइप का जो पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुलकता में है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, और जो पी टाइप का उसमें होल्स है। ठीक है, तो ये जो बीच में बना ये संधि बन गई, ये पी है और ये एन है, तो ये पीएन संधि हो गई। क्या हो गई? पीएन संधि हो गई। तो ये पी टाइप, एन टाइप, फॉल्स और इलेक्ट्रॉन्स ये जंक्शन हो गए। तो इस प्रकार से पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। अब इस पीएन जंक्शन के निर्माण में यदि हम बात करें कि क्या क्या विशेषता होती है, तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया कि एक शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन का था, उसमें हमने पी और एन टाइप की अशुद्धि मिला दी, अर्थात एक इंट्रिंसिक अर्धचालक था उसमें अशुद्धि मिला करके उसको हम एक्सट्रिंसिक बना दिया। क्या बना दिया? एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? डोपिंग। एक्सट्रिंसिक बनाने की जो प्रक्रिया हो क्या कहलाती है? डोपिंग। तो आगे बताया जा रहा है कि इसमें जो डोपिंग की जो क्रिया है, जो इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाने की क्रिया वो डोपिंग कहलाती है, और जो डोपिंग की जो क्रिया है, डोपिंग की जो प्रक्रिया है वो ऊष्मा क्रिया द्वारा संपन्न की जाती है, अर्थात इसमें जो हम अशुद्धि मिलाएंगे वो ऊष्मा क्रिया द्वारा मिलाएंगे, अर्थात हम गर्म करके एक पदार्थ को उसमें जर्मेनियम सिलिकॉन में एडप्ट कर देंगे। सुबह इस आगे हम बात करते हैं कि जो पीएन जंक्शन होता है, ये पीएन जंक्शन बिना अभिनीति का होता है। अभिनीति का मतलब होता है उसको बाइसिंग करना, बाइसिंग का मतलब या अभिनीति का मतलब कह सकते हैं इसको कोई सप्लाई देना, यानी इसको कोई बाह्य सप्लाई नहीं दी गई है, तभी किस तरह से व्यवहार करता है, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए दोस्तों, ये जो आपका पी टाइप का है और ये जो एन टाइप का है, पी टाइप के जो मेटेरियल है, जो पदार्थ है, उसमें होल्स की बहुलकता होती है, जो एन टाइप का पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बहुलकता होती है।
तो यहाँ पर जो जिसकी बहुलकता उसकी हम मेजोरिटी कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक तापीय कंपन पैदा होता है, उसमें ये कंपन पैदा होता है, तापीय कंपन पैदा होता है, जिसके कारण जो उसका जो ये जो बंधन बनता है, ये इनमें से कुछ बंधन टूट जाते हैं। जब इसको हमने पहले पढ़ा था कि जब इसको हम बाह्य ऊर्जा दें या उसमें ऊर्जा दें तो जो इसका जो सहसंयोजी बंधन है ये टूटने लगता है। तो तापीय कंपन के द्वारा कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। तो कुछ सहसंयोजी बंध टूटने के कारण यदि हम इस पी टाइप की बात करते हैं, यहाँ से सहसंयोजी बंध टूटेगा और सहसंयोजी बंध टूटेगा तो आपको पता है कि एक सहसंयोजी बंध टूटने पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स जनरेट होता है। तो होल्स जनरेट होगा तो इसमें होल्स की बहुलकता हो जाएगी और साथ साथ में यहाँ पर क्या होगा, कुछ होल्स की अपेक्षा कुछ कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। इसी प्रकार हम यदि यहाँ पर बात करें तो इसको उसमें और तापीय ऊर्जा या फिर बाह्य एक्सटर्नल मिलने पर, तो यहाँ पर तापीय ऊर्जा मिलने के कारण ये कोई इनमें से कोई एक सहसंयोजी बंध टूटने लगेगा या हो सकता है ज्यादा कुछ टूटने लगे, तो जिसके कारण यहाँ पर भी एक सहसंयोजी बंध टूटने के कारण एक होल्स और एक इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। तो यहाँ से पहले एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा और इसके साथ साथ में एक होल्स भी आ जाएगा। तो बहुलकता में मेजोरिटी में तो हो जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में हो जाएंगे यहाँ पर होल्स। तो देखिए दोस्तों, जो पी टाइप का जो पदार्थ है उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक तो उसमें होल्स होते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको ये जो होल्स दिखाई दे रहे हैं ये आपको बहुसंख्यक है और इलेक्ट्रॉन्स देखो अल्पसंख्यक है। तो ये जो अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक पैदा होते हैं ये तापीय कंपन द्वारा पैदा होते हैं। इसी प्रकार एन में होगा, एन में क्या होगा, एन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुसंख्यक होंगे और जो होल्स हैं, जो आपको यहाँ पर देखो होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये होल्स हैं, ये अल्पसंख्यक होंगे। तो जो पी टाइप और जो एन टाइप है, पी टाइप में होल्स बहुसंख्यक होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। और जो एन टाइप पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जबकि होल्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। और जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है वो तापीय कंपन द्वारा पैदा होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया नीचे कि जो पीएन जंक्शन के भाग एन भाग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक आवेश वाहक अर्थात मेजोरिटी चार्ज कैरियर था, होल्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक अर्थात माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होते हैं। इसी प्रकार पीएन जंक्शन के पी भाग में होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक मेजोरिटी चार्ज ठीक कैरियर तथा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक अर्थात माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होते हैं। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तापीय कंपन से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो यहाँ पर होल्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है सभी इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा स्तर अलग अलग होगा। तो इनमें से क्या होगा कि जो उच्च ऊर्जा स्तर रखते हैं, जो हाई एनर्जी लेवल रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से चलते हुए इन होल्स के प्रति आकर्षण होगा, उनका होल्स के प्रति आकर्षण होगा, तो यहाँ से वो चलते हुए और इस तरफ आ जाएंगे, इस संधि को पार करके पी क्षेत्र में आ जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ से जो कुछ होल्स हैं वो इस संधि को पार करके एन क्षेत्र में आ जाएंगे। तो यह क्या होगा कि यहाँ से जो होल्स हैं वो होल्स चल करके इस तरफ एन क्षेत्र में पी क्षेत्र में आ जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स है वो चल करके यहाँ पर पी क्षेत्र में आ जाएंगे, और जो कुछ होल्स हैं इनमें से वो चल करके यहाँ पर एन क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पी क्षेत्र में जाकर के इन होल्सों की पूर्ति कर देगा, इन होल्सों में समा जाएगा, इनके साथ संयोग कर लेगा। इसी प्रकार जो यहाँ पर जो होल्स है वो चल करके यदि एन क्षेत्र में आएंगे तो एन क्षेत्र में आकर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर लेगा, संयोग कर लेगा, अर्थात इसमें समावेश हो जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है वो चल करके इस तरफ जाता है और जो होल्स है वो चलकर इस तरफ आता है, अर्थात एन में से जो इलेक्ट्रॉन चल करके पी क्षेत्र में जाता है, और यदि और साथ साथ में होल्स हैं जो पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में जाते हैं, तो यहाँ पर जो होल्स में क्या होता है धनात्मक आवेश, तो यहाँ से धनात्मक आवेश पी क्षेत्र में एन क्षेत्र में चला जाएगा, तो यहाँ पर जो धनात्मक आवेश की कमी हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर कौन सा आवेश पैदा हो जाएगा, ऋणावेश। यदि यहाँ से एक होल्स इस तरफ जाता है तो यहाँ पर ऋणावेश छोड़ के जाएगा। इसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ऋणावेश है, वो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाता है अर्थात पी क्षेत्र में जाता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा एक पॉजिटिव आवेश छोड़ के चला जाएगा, पॉजिटिव आवेश छोड़ चला जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जो हैं हाई एनर्जी लेवल वाले वो चल करके पी क्षेत्र में जाने के कारण यहाँ पर पीछे हैं वो धनावेश छोड़ के चले जाएंगे। इसी प्रकार जो होल्स हैं वो पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में आने के कारण जो पी क्षेत्र की जो समीप है, जो संधि के समीप है, ऋणावेश छोड़ करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही दिखाया गया है कि यहाँ जो होल्स थे, देखो ये पूरा पी क्षेत्र है और यहाँ पर ये एन क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो होल्स थे वो होल्स क्या हुए, किस
इस तरफ आ गए, इस संधि को पार करके एन क्षेत्र में आ गए, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो संधि को पार करके इस पी क्षेत्र में आ गए। तो यहाँ पर जो होल्स है वो एन क्षेत्र में जाने के कारण यहाँ पर ऋणावेश की अधिकता हो गई, यहाँ पर ऋणावेश हो गया। लेकिन वो जो इधर हाई लो एनर्जी वाले हैं वो इस तरफ नहीं जाएंगे, तो ये जो अपनी है पूर्व की स्थिति में बने रहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर जो हाई एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन थे उस तरफ इस तरफ गए, तो यहाँ पर धनावेश कर दिया, तो देखो यहाँ पर धनावेश हो गया। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर एक प्रकार का आवेश पैदा हो गया, एक तरफ ऋणावेश और एक तरफ धनावेश, अर्थात यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। और जो एक इस प्रकार से यहाँ पर जो आवेश पैदा हो गया है, जो एक प्रकार से यहाँ पर एक परत बनी है, इस परत को कहते हैं डिफ्लेक्शन लेयर, डिफ्लेक्शन लेयर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि एन भाग के हाई जो एनर्जी यानी उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो संधि को पार करके पी क्षेत्र में पहुंचकर होल्स के साथ संयोग करके समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पी क्षेत्र के यानी पी भाग के कुछ होल्स हैं वो संधि पार करके एन क्षेत्र में पहुंचकर इलेक्ट्रॉन्स के साथ संयोग करके समाप्त हो जाते हैं। अब वो समाप्त हुए तो यहाँ पर एक प्रकार का आवेश पैदा हो गया, वो आवेश पैदा हुआ और ये आवेश क्या पैदा कर दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र पैदा कर दिया। अब वो विद्युत क्षेत्र अपना काम करेगा। तो देखिए दोस्तों, नीचे बताया गया है कि जो पीएन जंक्शन के दोनों ओर, यानी ये जो जंक्शन है इस जंक्शन के दोनों ओर, इस तरफ और इस तरफ, पीएन जंक्शन के दोनों ओर एक पतली परत, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस और इस तरफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पतली परत लगभग 1 mm मोटी, यानी जो परत होगी इस परत की मोटाई लगभग कितनी होती है, 1 mm मोटी मोटाई की एक परत उत्पन्न हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स द होल्स यानी पेपर्स आपस में हार्स मतलब समाप्त, और इसको हम दूसरा ये भी बोलते हैं अक्षय यानी डिप्लीशन हो जाते हैं। इसलिए इस परत को अक्षय परत अर्थात डिफ्लेक्शन परत या हार्स क्षेत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे बताया गया कि डिफ्लेक्शन जो लेयर है कि एन भाग में होल्स के इलेक्ट्रॉन से संयोग करके करने के कारण ऋणावेश की कमी हो जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि जो एन क्षेत्र में यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ होल्स क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, संयोग करने के कारण यहाँ पर ऋणावेश की कमी हो जाती है, अर्थात धनावेश की अधिकता हो जाती है। ऋणावेश की कमी मतलब क्या, धनावेश की अधिकता, तो यहाँ पर धनावेश पैदा हो गया। इसी प्रकार जो पी क्षेत्र है, इस पी क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन्स आकर होल्स के साथ संयोग करने के कारण यहाँ पर धनावेश की कमी हो जाती है, अर्थात ऋणावेश की अधिकता। बताया गया कि डिफ्लेक्शन जो लेयर के पी भाग में इलेक्ट्रॉन्स के होल्स के संयोग होने के कारण धनात्मक आवेश की कमी हो जाती है, इसमें डिफ्लेक्शन लेयर पी भाग में ऋणात्मक हो जाता है। दिखाया गया कि यहाँ पर पी भाग ऋणात्मक और एन भाग धनात्मक हो गया। तो जो यहाँ पर जो आवेश पैदा हुआ है, ऋणात्मक और धनात्मक पैदा हुआ है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक प्रकार का विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है। क्या पैदा हुआ है? विद्युत वाहक बल पैदा हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि इस क्रिया के कारण डिफ्लेक्शन लेयर के दोनों सिरों पर एक EMF यानी विद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है, यानी वो आवेश पैदा उसके कारण एक विद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का धनात्मक सिरा एन क्षेत्र तथा ऋणात्मक सिरा पी क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो विद्युत वाहक बल पैदा है इसका धनात्मक सिरा कौन से क्षेत्र में? पी क्षेत्र में यानी धन, और जो ऋण है वो सॉरी जो धनात्मक सिरा वो एन क्षेत्र में, और जो ऋणात्मक सिरा है वो पी क्षेत्र में। आग्रह कि ये EMF इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन यानी संधि पार करने से रोकता है। देखिए दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो EMF पैदा हुआ है, ये EMF इस संधि जो ये जंक्शन है, इस जंक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को इस दिशा में आने से रोकता है, इस दिशा में आने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक सिरा लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या धनात्मक सिरा लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऋणात्मक सिरा होने के कारण ये जो ये ऋणात्मक सिरा है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, प्रतिकर्षित यानी इस तरफ धकेलेगा। इसी प्रकार जो यहाँ पर धनात्मक सिरा लगा हुआ है, ये धनात्मक सिरा जो यहाँ पर होल्स हैं, इन होल्स देखो समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षित करेगा, तो इन होल्सों को इस तरफ धकेलेगा, तो जिसके कारण क्या होगा कि होल्स इस तरफ आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस संधि को पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम बात करें कि इस ये संधि हमें पार करवाना है, तो क्या करना होगा, जो यहाँ पर विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है, उस विद्युत वाहक बल के विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल लगा करके, विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल लगा करके इसको यदि हम समाप्त करते हैं, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्सों को एक दिशा से दूसरी दिशा में ले जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बताया कि किसी पीएन जंक्शन के दोनों सिरों और बनी डिफ्लेक्शन लेयर के सिरों पर, दोनों ओर बनी डिफ्लेक्शन लेयर
के सिरों पर उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल विभव रोधिका विभव इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। अर्थात यहाँ पर जो ईएमएफ पैदा हुआ इस ईएमएफ को हम कहेंगे रोधिका विभव। क्या कहेंगे? रोधिका विभव। और इंग्लिश में हम कहें तो उसको कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। तो देखिए दोस्तों, जो हम अर्धचालक बनाते हैं दो से बनाते हैं, तो जर्मेनियम है सिलिकॉन से। अब यदि हम बात करें कि जर्मेनियम है, उस जर्मेनियम पदार्थ का जो पीएन जंक्शन है, उस पीएन जंक्शन का रोधिका विभव कितना होगा? जर्मेनियम पदार्थ का पीएन जंक्शन के लिए रोधिका विभव 0.2 से 0.3 वोल्ट होगा, और सिलिकॉन पीएन जंक्शन के लिए रोधिका विभव 0.7 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसके अप्रोक्स यदि यहाँ पर हम कोई विद्युत वाहक बल अप्लाई करें जो इसके विपरीत हो, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्सों को इस दिशा से अर्थात एन चित्र से पी चित्र की ओर ले जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे पीएन संधि की अभिनति अर्थात पीएन जंक्शन की बायसिंग की बात कर रहा है। तो पहले भी हमने बात की थी कि बायसिंग कैसे किसे कहते हैं। तो पीएन जो जंक्शन है, पीएन जंक्शन को बाह्य वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित करना बायसिंग कहलाती है। यानी वो ये पीएन जंक्शन डायोड है, इस पीएन जंक्शन को हम कोई बाह्य सप्लाई दें, बाह्य वोल्टेज दें, तो वोल्टेज देने की क्रिया, जो वोल्टेज देने की जो प्रक्रिया है, वो बायसिंग कहलाएगी। तो जो यहाँ पर जो पीएन जंक्शन डायोड है, इस पीएन जंक्शन डायोड को हम दो प्रकार से बाह्य सोर्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी बायसिंग की विधि होगी वो भी दो होगी। तो जो सबसे पहले बात करते हैं वो होती है पीएन जंक्शन की अग्र अभिनति अर्थात पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड वाइस, और जो दूसरी होती है वो रिवर्स वाइस होती है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड वाइस की बात करते हैं। तो फॉरवर्ड वाइस किस प्रकार है? अब फॉरवर्ड वाइस किसे कहेंगे? यदि जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से संयोजित करना अग्र अभिनति कहलाते हैं। यदि वो ये कोई पीएन जंक्शन है और पीएन जंक्शन के जो ये पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र को पॉजिटिव से, देखो यहाँ पे पॉजिटिव से संयुक्त किया है, और जो एन क्षेत्र है इस एन क्षेत्र को नेगेटिव से संयुक्त करें, तो ये जो संयोजन करने की जो क्रिया है, जो संयोजित करना, अग्र अभिनति अर्थात फॉरवर्ड बायसिंग कहलाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन के पी क्षेत्र को पॉजिटिव और एन क्षेत्र को नेगेटिव दिया गया है, अर्थात इसको फॉरवर्ड बायस में संयोजित किया गया है। तो अब यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में संयोजित करने पर क्या होगा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी पहले हमने कुछ समय पहले बात की थी कि यहाँ पर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव सिरा होता है वो एन क्षेत्र में, और नेगेटिव सिरा होता है पी क्षेत्र में। तो यहाँ पर दिखाया गया कि पॉजिटिव सिरा पी क्षेत्र एन क्षेत्र में, और जो नेगेटिव सिरा है पी क्षेत्र में। अब वहां पर हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को ये एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में आने को रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव आवेश है उनको रिफ्लेक्ट करता है, और इधर जो पॉजिटिव आवेश है इन होल्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्सों को ऋणात्मक आवेश नहीं आने देता है, और इसी प्रकार जो यहाँ पर धनात्मक आवेश है वो पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में होल्स को नहीं आने देता है। लेकिन हमने ये भी बात की थी कि यदि इस विद्युत वाहक बल के विपरीत कोई विद्युत वाहक बल हम लगा दें, तो इस विद्युत वाहक बल को वो समाप्त कर देगा, और इस विद्युत वाहक बल को समाप्त करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में आ सकते हैं, अर्थात इन संधि को पार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यही कहा किया है कि यहाँ पर जो नेगेटिव पैदा होता है, तो इसकी विपरीत अर्थात यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, अर्थात पी क्षेत्र को पॉजिटिव और एन क्षेत्र को नेगेटिव सप्लाई से संयुक्त किया। संयुक्त करने पर क्या होगा कि ये जो विद्युत वाहक बल है, इस विद्युत वाहक बल के विपरीत विद्युत वाहक बल कार्य करेगा, और इस विद्युत वाहक बल को ये समाप्त कर देगा। इस विद्युत वाहक बल को, जो इंटरनल विद्युत वाहक बल अर्थात पोटेंशियल बैरियर है, इस पोटेंशियल बैरियर को जो बाह्य सप्लाई है, ये बाह्य सप्लाई इसको समाप्त कर देगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो यहाँ पर डिप्लेक्शन लेयर है, डिप्लेशन जो लेयर है, इस लेयर की जो चौड़ाई है वो पतली कम हो जाएगी, अर्थात इसको ये जो बाह्य विद्युत वाहक बल है, इस डिप्लेक्शन लेयर को क्षीण कर देगा, कमजोर कर देगा। कमजोर करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि हम पहले वाले की बात करें, तो यहाँ पर जो पहली नॉर्मल पोजिशन में जो डिप्लेक्शन लेयर काफी चौड़ाई में काफी थी, लेकिन बाह्य विद्युत वाहक बल लगाने के कारण ये डिफ्लेक्शन लेयर कमजोर हो गई है। और कमजोर हो गई तो क्या होगा कि यहाँ पर जो धन आवेश लगा हुआ है, ये जो धन आवेश है, इसका मान इसके इंटरनल धन आवेश से काफी अधिक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्सों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये जो धन आवेश है, ये धन आवेश यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्सों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस दिशा में गति करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार जो यहाँ पर जो ऋण आवेश है, ये यहाँ पर जो होल्स है, अर्थात जो होल्स में धन आवेश है, इनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चलते हुए इस दिशा में गति करेंगे, और यहाँ से जो होल्स हैं वो इस दिशा में गति करेंगे। अर्थात अब फॉरवर्ड बायसिंग में यह कह सकते हैं कि पी क्षेत्र को पॉजिटिव सप्लाई से संयोजित करने पर और एन क्षेत्र से नेगेटिव सप्लाई से संयोजित करने पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एन क्षेत्र से होते हुए पी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं,
और इसी प्रकार जो होल्स हैं वो पी क्षेत्र से होते हुए एन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होने का मतलब इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है। तो जो फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का प्रवाह होने लगता है, और इसका कारण है कि जो यहाँ पर इंटरनल जो ईएमएफ पैदा हुआ था, जो पोटेंशियल बैरियर था, उसके विपरीत विद्युत वाहक, बाह्य विद्युत वाहक लगाने के कारण वो क्षीण हो गया, वो कमजोर हो गया। कमजोर होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक लेयर से दूसरी लेयर में, एक जो है क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गति करने लगते हैं, अर्थात करंट का प्रवाह होने लगता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, दोस्तों वही बताया गया है कि फॉरवर्ड बायसिंग में बाह्य वोल्टेज रोधी का विभव यानी पोटेंशियल बैरियर के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल डिफरेंट यानी बाह्य वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई घटती जाती है, और चौड़ाई घटेगी तो उसका रेजिस्टेंस घटता जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स के लिए बाधा कम होगी। आगे रहा कि पी क्षेत्र पर धनात्मक विभव आरोपित करने पर धनात्मक विभव हॉल्स यानी विवर्स को आकर्षित करता है, वह इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि पी क्षेत्र हॉल्स को क्या करेगा, विकर्षित यानी इधर धकेलेगा, विकर्षित करेगा, इधर धकेलेगा और इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर आकर्षित करेगा। तो होल्स इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। इसी प्रकार जो यहाँ पर नेगेटिव है, देखो आगे दिखेगा, इसी प्रकार एन क्षेत्र पर ऋणावेश विभव आरोपित करने पर ऋणात्मक विभव इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित व होल को आकर्षित करता है, जिससे संधि टूट जाती है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर तथा होल्स पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, अर्थात धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की ओर, और जो होल्स है वो नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश प्रवाहित होने लगते हैं, अर्थात इसमें करंट का प्रवाह होने लगता है। तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होने लगती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे फॉरवर्ड बायसिंग की एक दूसरे शब्दों में उसकी डेफिनेशन दी गई है। देखिए, किसी पीएन जंक्शन के सिरों पर बाह्य बैटरी को इस प्रकार संयोजित करें की करने की क्रिया जिसमें बाह्य विद्युत वाहक बल आंतरिक रोधी का विभव के विरुद्ध कार्य करे। फाइनली बात वही आती है कि उसके विरुद्ध कार्य करे, तो उसे क्षीण यानी कमजोर या समाप्त कर देता है, तथा जिसके परिणामस्वरूप जंक्शन से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है, अग्र अभिनीति अवस्था अर्थात फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पीएन जंक्शन की विपरीत अभिनीति यानी पीएन जंक्शन विपरीत अभिनीति पर, और इंग्लिश में कहेंगे पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस यानी रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन की। तो अब फॉरवर्ड बायस में क्या था, पी क्षेत्र को हम पॉजिटिव दे रहे थे और एन क्षेत्र को क्या दे रहे थे हम नेगेटिव। पी क्षेत्र को हम क्या दे रहे थे पॉजिटिव और एन क्षेत्र को क्या दे रहे थे नेगेटिव। तो ये क्या था फॉरवर्ड बायस। अब हम इसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे कि पी क्षेत्र को देंगे हम नेगेटिव और एन क्षेत्र को देंगे पॉजिटिव, तो वो जो पीएन जंक्शन की रिवर्स बायसिंग कहलाएगी। अर्थात यहाँ पर क्या, पीएन जंक्शन के पी क्षेत्र को नेगेटिव सिरे से तथा एन क्षेत्र को पॉजिटिव सिरे से संयोजित करना विपरीत अभिनति अर्थात रिवर्स बायसिंग कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, रिवर्स बायसिंग पर पीएन जंक्शन किस प्रकार कार्य करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर पी क्षेत्र को नेगेटिव सिरे से और एन क्षेत्र को पॉजिटिव सिरे से संयोजित किया, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ऋणात्मक आवेश है वो होल्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अर्थात होल्स इस तरफ आएंगे। इसी प्रकार जो यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि ये असमान आवेश है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आने के कारण यहाँ पर ये जो ऋणावेश था इलेक्ट्रॉन्स में वो इस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है धनावेश की अधिकता। और इसी प्रकार यहाँ पर जो होल्स थे वो होल्स इस दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो धनावेश छोड़ के जा रहे हैं, अर्थात जो यहाँ पर डिप्लेक्शन जो लेयर है उस लेयर का मान बढ़ जाता है। जब हम पी क्षेत्र को पॉजिटिव और एन क्षेत्र को नेगेटिव देते हैं, अर्थात जब डायोड पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग पे होता है, तो जो डिप्लेक्शन लेयर है उस डिप्लेक्शन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, हार्श क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस संधि को पार नहीं कर पाते हैं, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए दोस्तों, नीचे बताया गया है कि रिवर्स बायसिंग में बाह्य विद्युत वाहक बल रोधी का विभव यानी पोटेंशियल बैरियर की दिशा में कार्य करता है, यहाँ पर क्या था कि पी क्षेत्र में नेगेटिव पैदावार था और एन क्षेत्र में पॉजिटिव पैदावार था, तो हमने एन क्षेत्र को पॉजिटिव दे दिया और पी क्षेत्र को नेगेटिव दे दिया, तो इसके दिशा में हो गया, अर्थात इसका मान और बढ़ा दिया, पहले की अपेक्षा और बढ़ा दिया। कह रहा है कि रिवर्स बायसिंग में आंतरिक रोधी का विभव यानी इंटरनल पोटेंशियल बैरियर और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, और अधिक पहले से वो विरोध कर रहा था इलेक्ट्रॉन फ्लो का, और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होने देगा। और आगे ये कह रहा है कि इसका कारण क्या है, ये बता रहा है कि पी क्षेत्र पर आरोपित नेगेटिव सिरा होल्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तथा एन क्षेत्र पर आरोपित पॉजिटिव सिरा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित करने का कारण है विपरीत आवेश, असमान
आवेश, जिससे मेजोरिटी चार्ज अर्थात जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं उनके द्वारा करंट प्रवाह नहीं हो पाती है। तो कह रहे जिससे मेजोरिटी चार्ज के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक द्वारा कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो इसमें दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, चार्ज होते हैं, तो बहुसंख्यक और एक अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक यदि ये पी क्षेत्र तो इसमें अल्पसंख्यक होंगे होल्स, सॉरी एन क्षेत्र तो अल्पसंख्यक होंगे होल्स और पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो पी क्षेत्र है, सॉरी एन क्षेत्र में पॉजिटिव लगाया और पी क्षेत्र नेगेटिव लगाया, तो यहाँ पर होल्स हैं इन जो इलेक्ट्रॉन्स है इन इलेक्ट्रॉन्स को ये रिफ्लेक्ट करेगा, इस दिशा में गति करवाएगा। और इसी प्रकार जो यहाँ पर जो पॉजिटिव आवेश है इस होल्स को इस दिशा में गति करवाएगा। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज है ये माइनॉरिटी चार्ज के द्वारा इस रिवर्स बायसिंग में करंट का प्रवाह होता है, लेकिन ये करंट नगण्य होती है, न के बराबर होती है अर्थात जीरो के इक्वल होती है। तो नीचे ये बताया गया है कि परंतु इस अवस्था में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अर्थात अल्पसंख्यक आवेश भाग के द्वारा धारा प्रवाहित होती है जिसका मान बहुत ही कम अर्थात नगण्य होता है। कि रिवर्स बायसिंग पर सामान्य से अधिक रेटिंग से यानी सामान्य से अधिक वोल्टेज रेटिंग जो इसकी निर्धारित वोल्टेज है उसे अधिक वोल्टेज आरोपित करने पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण एक उच्च मान की यानी जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है उसके द्वारा एक उच्च मान की करंट प्रवाहित होती है और उस करंट का मान होता है सामान्य वोल्टेज धारा से अधिक की धारा प्रवाहित होती है। आगे कह रहे हैं कि रिवर्स बायसिंग पर धारा की दिशा फॉरवर्ड बायसिंग की धारा के विपरीत होती है। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे यदि हम यहाँ पर जो बाह्य पोटेंशियल है इस पोटेंशियल का मान बढ़ाते जाते हैं तो बढ़ाने के कारण यहाँ पर जो माइनॉरिटी चार्ज है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनके कारण यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहक है उनके कारण करंट का प्रवाह होने लगता है और उस करंट की डायरेक्शन जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है उसकी विपरीत होती है अर्थात फॉरवर्ड बायसिंग की विपरीत होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या था, फॉरवर्ड बायसिंग में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर करंट का प्रवाह हो रहा था, जबकि यदि हम यहाँ पर इसमें बाह्य विद्युत वाहक बल का मान अधिक करते हैं तो यहाँ पर जो करंट है वो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर जाएगी। अर्थात फॉरवर्ड बायसिंग में पी से एन था और रिवर्स बायसिंग में एन से पी एक दूसरे के विपरीत होता है। तो हम कह सकते हैं रिवर्स बायसिंग में विद्युत धारा फॉरवर्ड बायसिंग के विपरीत होती है। आगे देखिए दोस्तों रिवर्स बायसिंग को दूसरे शब्दों में बताया गया है, यहाँ पर बताया गया किसी पीएन जंक्शन के दोनों सिरों पर बाह्य बैटरी को इस तरह संयोजित करने की प्रक्रिया को जिसमें बाह्य विद्युत आवेश आंतरिक रोधी का विभव यानी इंटरनल पोटेंशियल बैरियर की दिशा में होने के कारण उसे बढ़ा देता है, यानी जो बाह्य विद्युत वाहक बल है वो आंतरिक रोधी का विभव इंटरनल पोटेंशियल बैरियर है उसकी दिशा में होने के कारण उसे बढ़ा देता है और उसे अचालन दशा में आज जिसके कारण वो अचालन दिशा में आ जाती है संधि, तो उसे हम विपरीत अभिनति कहते हैं, यह कहलाती है। ये कह रहे हैं कि सामान्य स्थिति में पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग में धारा प्रवाहित करंट प्रवाह होती है और रिवर्स बायसिंग में नहीं होती। सामान्य स्थिति मतलब उसकी रेटेड वोल्टेज से अधिक देने पर तो उसमें रिवर्स बायसिंग में भी करंट का प्रवाह होता है, लेकिन सामान्य स्थिति अर्थात नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करने पर उसमें फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का प्रवाह होता है, रिवर्स में नहीं होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर विपरीत भंजन वोल्टता के बारे में बताया गया है जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, देखिए दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि यदि हम रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज का मान भाई ये जो यहाँ पर वोल्टेज लगा रहे हैं इस वोल्टेज का मान इंक्रीज करते हैं बढ़ाते जाते हैं तो इसमें से करंट का प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये जो करंट का प्रवाह होता है ये जो भाई ये वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं इसी के आधार पर इसकी एक भंजन वोल्टता होती है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं भंजन वोल्टता की, कह रहा है कि पीएन जंक्शन की रिवर्स बायसिंग पर वह न्यूनतम वोल्टेज यानी वह न्यूनतम वोल्टेज वो कम से कम वोल्टेज जिस वोल्टता पर उसमें से रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो होने लगे उस पीएन जंक्शन की ब्रेकडाउन यानी भंजन वोल्टता कहलाती है। यानी रिवर्स बायसिंग पर वह न्यूनतम वोल्टेज जिस वोल्टेज पर उसमें करंट का प्रवाह होने लगता है वह उस पीएन जंक्शन की रिवर्स बायसिंग या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है, रिवर्स बायसिंग भंजन वोल्टेज कहलाती है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के गुण के आधार पर एक युक्ति बनाई जाती है जिसे हम जीनर डायोड कहते हैं और इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको इस चैप्टर को समझने में ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।